सब्सक्राइब कीजिए ABCD सब कुछ चैनल को, और प्लम्बिंग का नया से लेकर पुराना हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपका मोबाइल में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका ABCD सब कुछ चैनल में। मेरा नाम है बशीर अहमद खान। दोस्तों, ये वीडियो कंसील श्रेष्ठान का है। इससे पहले मैं पूरा मेजरमेंट के साथ आप लोगों को बता चुका हूँ जो कंसील श्रेष्ठान कंसील में कैसे फिटिंग करी। आप इधर मैं थोड़ा अलग कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो में पूरा बने रहिए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर आप तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हो तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लम्बिंग के मैटर में उधर जाके आप मैसेज करिए, ज़रूर मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, इधर जो वाल है वो पुराना वाल है, यानी ये जो वाल है पुराना वाल है, वो भी 5 इंच का वाल है, जिसमें अगर कॉमोड बैठाएंगे तो वो बाद में निकल जाएगा। इसके वजह से मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा ब्रिक वाल, जो बहुत सारे भाई को पता नहीं है, इसमें वीडियो बने रहिए, आप लोगों को बहुत सारा चीज़ पता चलेगा। एक्स्ट्रा ब्रिक वाल यानी 5 इंच का, और एक बांधकाम करूँगा जो कंसील सिस्टम भी मेरा कंसील हो जाएगा, और 4 इंच का जो पाइप है वो मेरा कंसील हो जाएगा, और वालंग कमर जो है वो मजबूत से फिटिंग हो जाएगा, क्योंकि पुराना वाल में अगर वालंग कमर का एक बोल्ट मारूंगा तो वो निकल भी सकता है। तो आप इससे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसमें आप देख लीजिए 4 इंच का जो पाइप है मेरा फ्लोर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से मैं ऑलरेडी पूरा कर चुका हूँ, मतलब कितना हाइट आएगा नहीं आएगा, हाइट वाइट आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा कितना क्या है। सबसे पहले मैं इसमें बांधकाम करता हूँ कितना, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अब देख लीजिए, इतना आपको ब्रिक वाल पहले कर लेना है, यानी कंसील सिस्टम लगाने से पहले, आप उसके बाद आपको कंसील सिस्टम लगाना है। और इधर आप गैप जो देख रहे हो ना बेंड के ठीक सेंटर में, ये वाला गैप जो है आपको थोड़ा रखना है, जैसे कि उधर रखा हूँ, क्योंकि उधर आपका जो बेंड पाइप आएगा वो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। तो उतना ब्रेक आप पहले कर लीजिए, उसके बाद सिस्टम लगाइए, आपको अच्छे से आपको काम में मज़ा भी आएगा। ओके, तो चलिए देखिए, पहले मैं सिस्टम फिटिंग कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अब मैं सिस्टम तो फिटिंग कर चुका हूँ, लेकिन इसमें जो लेवल करना होता है, यानी जो कंसील सिस्टम बबल लेवल से चेक होता है, जैसे कि मैं उस वीडियो में बताया था, वो अभी इतना मैं गातनी करूँगा, और उसके बाद मैं इधर लेवल चेक करके फिर पूरा कंप्लीट बांधकाम कर दूँगा ऊपर तक। ओके, तो वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को जैसा बांधकाम आता है वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये करेंगे तो आपका जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा। बहुत सारे भाई थोड़ा गलत तरीका काम करते हैं, जो आपको वीडियो के अंत में बता दूँगा। और अगर कुछ ज़्यादा ऐसे भी सवाल रहा आप लोगों का प्लम्बिंग के मैटर में, तो इंस्टाग्राम में जाइए, उधर मैसेज करिए, ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, और कोशिश करूँगा जितना हो सके आप लोगों का मदद करने की। ओके, प्रॉब्लम बताइए, हो सके तो वीडियो भी बना दूँगा आप लोगों का। तो चलिए, वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कर दीजिए, बुरा लगता है तो जरूर डिसलाइक कर दीजिए। उसके बाद आपको इतना सेकंड स्टेप में इतना आपको बांधकाम करना है, फर्स्ट स्टेप जितना दिखाया था उतना करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप इतना। उसके बाद आप जैसे लेवल चेक किया जाता है, मैं पहला वीडियो जो कंसील सिस्टम का बनाया था, वैसे वैसे आपको लेवल चेक करना है, फिर जैसे बांधकाम करना है वैसे बांधकाम करके आपको कातनी कर देना है। ओके, और इसमें बबल लेवल देके आपको चेक करना है, ठीक है। आपको पहले इसका वीडियो पूरा बना चुका था, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा ब्रिक वाल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे भाई बोलते हैं ना 5 इंच का वाल में मैं क्या कर सकता हूँ बांधकाम, ये मतलब कंसील सिस्टम लगवा सकता हूँ। अगर पुराना वाल है तो आप शायद आपको दिक्कत होएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अगर न्यू वाल है तो आप फिटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बाथरूम का एरिया अच्छा होता है तो ज़रूर आप उसे ब्रिक वाल कर लीजिए, और अच्छा रहेगा। ओके, बाकी आप लोगों को मिनिमम मैक्सिमम भी पता है, उसमें बताया था, तो इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें आपको एक चीज़ दिखा देता हूं, क्योंकि जो ब्रिक वाल 5 इंच का करते हो तो पीछे भी गैप होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो मिनिमम मैक्सिमम देख के आपको स्ट्रेट करना है। अगर दीवार साइड में पूरा सटा दोगे तो आपका अंदर चले जाएगा, फिर आपार पार्ट आपका लगेगा नहीं। तो
तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। ऐसे छोटे छोटे चीज़ के लिए इस वीडियो बनाया हूँ, जैसे कि देख लीजिए आप, मैं ईंट देकर कैसे उधर सपोर्ट किया हूँ, ठीक है। ऐसे देखना है मिनिमम मैक्सिमम, फिलहाल मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं काम में, और कृपया लाइन में बने रहिए वीडियो में, फिर आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। पूरा दुनिया में काला ही बदलाम के लिए देखे जब तक काला हो ना, मेरे कच्ची भी काला बराबर बात करें बहुत टेंशन करे तो टेंशन होकर ना नहीं चलो अच्छी छोटी मिली अब मेरा बांध काम जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब आप लोगों को ओरिजिनल वॉइस जो है उसमें सुनिए, क्योंकि वो अच्छा मैच करेगा, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो आप कर देते हो ना, करने के बाद ये जो है ना मसाला, ये वाला इसका, ये अभी मैं फिटिंग कर दिया हूँ। इसे आप जब भी फिटिंग करते हो उसके बाद ये जो है ये मसाला इसमें मत भरिएगा, इसमें लूच रखिएगा, ये वाला मसाला जो नॉर्मल अभी भरा हूँ। जब मैं बांधकाम कर रहा था एंड में, यानी लगभग 6 मिनट जैसा आप देखिए जाकर, उसमें मैं मसाला नहीं भरा था, इसमें अभी तुरंत भरा हूँ। इसे लूच इसलिए रखिएगा क्योंकि आपका फिटिंग हो गया, फिर से अगर ये अप डाउन हल्का सा हो सकता है तो आप आड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो आप ऐसे ऐसे करके इधर से उधर से सीधा करके फिर जाम करिएगा। अगर आपको डाउट होता है तो बाद में जाम करिएगा, सबसे बेस्ट। बाकी आप देख लीजिए पूरा हो गया। अगर 5 इंच का वाल रहता है तो आपको ऐसे कंसील सिस्टम लगा के आपको करना है, क्योंकि यहाँ पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा, इसकी वजह से मैं ऐसा किया हूँ। बाकी इसमें कंसील को का एक पॉइंट आने वाला है, ये आएगा अभी थोड़ा देर में करूँगा, फिर कंप्लीट करके दिखाऊँगा। और इसका जो प्लास्टर है ये तो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग भी कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन बाथरूम का जो हालत है आप देख लीजिए काफ़ी बुरा है। तो ये बाथरूम नया से रेनोवेशन हुआ है, तो इसकी वजह से ये बाथरूम भी प्लास्टर होने वाला है फिर से, और उसके बाद ये हो जाएगा। और बाकी इसका मिनिमम मैक्सिमम आप लोगों को समझा दिया, जो इसके लेवल जो है ये वाला मिनिमम मैक्सिमम, ये मिनिमम मैक्सिमम जो है आपका, जैसे कि टाइल्स कम से कम इतना आ जाएगा भी तो चलेगा, ऐसे हिसाब से आपको वाल लगाना है, फिर उसके बाद प्लास्टर आएगा, उसके बाद टाइल्स आएगा, तो इतना भी आ जाएगा आपका, इतना भी आ जाएगा तो आपका वो काम हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको बाहर रखना है पूरा, अगर आपका ये 4 इंच का पाइप बाहर रहता है थोड़ा, और ये कंसील सिस्टम अगर आप पूरा अंदर कर देते हो तो आपका क्या दिक्कत हो जाएगा, कभी टाइल्स लगाएंगे फिर बाद में आपका अपर पार्ट जो है इसका प्लेट जो आता है वो लगाने में आपको दिक्कत हो जाएगा, मतलब लगेगा नहीं, ऐसा है। मैक्सिमम कम से कम टाइल्स लगने के बाद ये जो बॉक्स है आपका कम से कम थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, और बाकी इसमें आपको लेवल चेक करना है, जैसे कि मैं बहुत सारा एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी सब कुछ। इसमें मैं ब्रेक वाल की वजह से ये वीडियो बना दिया, ताकि बहुत सारे भाई जो है ब्रेक वाल में कंसील सिस्टम कैसे लगाते हैं जो ये पता नहीं था, या फिर ऐसे करते हैं जो ब्रेक वाल बना देते हैं लेकिन ये कमेंट कर देते हैं, फिर ब्रेक वाल पूरा ऐसा बना देते हैं, बनाने के बाद फिर इसे कंसील कटिंग करके फिर लगाते हैं। ऐसा नहीं करिए, मत करिए, फालतू में टाइम वेस्ट होएगा। ऐसे आप नॉर्मली पर जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। और बाकी इसका जो हाइट वाइट है आप लोगों को पता है, बताऊंगा नहीं, सबसे बेस्ट है आप कॉमोट जो है वालिंग कॉमोट उसे लेकर ही आप ये वाला हाइट अच्छा करिए, क्योंकि इसका जो हाइट होता है मैक्सिमम जो इसका सेंटर होता है वो 9.5 इंच होता है, 8.5 इंच बहुत सारे भाई रखते हैं, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है मैं देख रहा हूँ वो 8.5 इंच में, मैं भी अभी तक बहुत सारा कम लगाया हूँ, कम से कम तो बहुत साल से 9.5 इंच 10 इंच 9 इंच ऐसे में रख रहा हूँ। बाकी इसका सेंटर जो बोलते हैं 5.5 इंच वो परफेक्ट है, उससे बेहतर है जो कॉमोट अगर आपके पास रहता है, ये देख लीजिए इधर कॉमोट है, ये कॉमोट जो है उसका मेजरमेंट करके आप इसका सेंटर निकालिए, फ्लोर निकाल के फ्लोर का लेवल से आपको इसका ऊपर कितना आएगा उसके हिसाब से आप कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। ओके,
और आपके स्क्रीन के सामने जो वीडियो आ रहा है उसे आप देखकर आपको समझ में आ जाएगा कमोड का हाइट कैसे करना है, फ्लोर से कितना लेना है, उस सब आपको समझ में आ जाएगा, बताया हूँ। बाकी कंसेल सिस्टम का भी वीडियो मैं डिटेल्स में बताया हूँ, पार्ट वन पार्ट टू करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लीजिए और उधर मैसेज करिए, आप लोगों को मदद करने की जरूर कोशिश करूँगा। और सिर्फ जेट स्प्रे का पॉइंट बाकी है इधर जो कल होएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगा तो जरूर डिसलाइक कर दीजिए। फिर मिलने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।